बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग ओमी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं अल्लाह के फजलो करम से आप सब लोग खैर और आफिया से होंगे। तारीखी शहर मुल्तान की हिस्ट्री पर बेशुमार वीडियोस बन चुकी हैं, मगर इस वीडियो में आपको मुल्तान की ऐसी तारीख से रोशनास करवाया जा रहा है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। औलिया कराम का शहर मुल्तान अपने अंदर तारीख के ऐसे हकाइक रखता है जिसको जानना आप सबका हक है। जो सयाह मुल्तान देखने आते हैं इनके लिए ये वीडियो बहुत मुफीद साबित होगी। शहर मुल्तान में सैकड़ों मज़ारात हैं। हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया रहमतुल्ला अलैह पर जामे वीडियो पहले अपलोड की जा चुकी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इस वीडियो में मुल्तान शहर की तारीख और हजरत शाहरुख ने आलम के मज़ार की ज्यारत के साथ साथ मज़ार की तामीर पर मुकम्मल तफसील जानने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो की जानिब चलते हैं। हिंदुओं के मुकद्दस त्यौहार होली का आगाज पाकिस्तान के किस तारीखी शहर से हुआ? ऐसी नादर मालूमात जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होंगी। सर पर गर्म आसमान था और पैरों के नीचे तपती पिघलती जमीन थी और दाएं बाएं तहद्दे नजर मुल्तान बिखरा था। सोफिया कराम का शहर तारीख का अजीम कब्रिस्तान, हिस्ट्री का नौहा। मुल्तान सिर्फ शहर नहीं, ये वक्त है, गया, ठहरा और आने वाला वक्त। हिंदुस्तान में इक्तदार के हजारों सूरज तुलू हुए, ये सूरज मुल्तान पहुंचे, दिल्ली की तरफ रवाना हुए, दिल्ली फतह किया, वापस मुल्तान आए और सेंट्रल एशिया वापस चले गए। आप हिंदुस्तान की तारीख के किसी फाते का नाम ले, वो जिंदगी में एक बार मुल्तान जरूर आया होगा, वो मुल्तान में ठहरा भी होगा और इसने इसकी गर्म हवाओं में सांस भी ली होगी। ये शहर महज शहर नहीं, ये रोगनी मुल्तानी टाइलों की मौजदगाह है। आप मुल्तान से अफगानिस्तान जाएं, अफगानिस्तान से ईरान जाएं, अस्फहान से गिलान, तबरेज और मुशहद से गुजरिए, आप वहां से समरकंद और बुखारा जाइए और आप वहां से तुर्कमानिस्तान, आजरबाईजान और अलमाते जाइए, आपको रास्ते की हर कदीम इमारत, हर कदीम महल और हर कदीम मज़ार पर रोगनी टाइलें मिलेंगी। ये टाइलें मुल्तानी हाथों ने बनाई और ये तारीख के साथ साथ सफर करती हुई वहां पहुंची। मुल्तान शहर नहीं तारीख है। पूरे हिंदुस्तान में कोई दूसरा ऐसा शहर नहीं जिसमें इतने औलिया कराम मदफून हों और जिसमें इतने मज़ारात हों। मुल्तान के हर मोहल्ले में मज़ार हैं और इन मज़ारात पर दिए भी जलते हैं। ये वो शहर है जिसमें प्रह्लाद जी के मंदिर में पहली होली खेली गई। प्रह्लाद बच्चा था, उसने अपनी फुप्पी होलिका के साथ अपने वालिद राजा परनाक्षप की खुदाई को चैलेंज किया। राजा ने बहन और बेटे को आग में चला दिया। होलका जलकर मर गई लेकिन प्रह्लाद बच गया। हिंदू पूरी दुनिया में हर साल होलका की इस कुर्बानी की याद मनाते हैं। ये याद होली कहलाती है। होली मुल्तान से शुरू हुई। प्रह्लाद का मंदिर 1992 तक कायम रहा। हिंदुस्तान में हिंदू इंतहा पसंदों ने 1992 में अयोध्या की बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। मुल्तान के मुसलमानों ने बदले में प्रह्लाद का मंदिर तोड़ दिया। मंदिर टूट गया लेकिन बुनियादें आज भी हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया रहमतुल्ला अलैह के पहलों में मौजूद है। ये वो शहर था जिस पर यलगार के दौरान सिकंदर आजम को जहरीला तीर लगा, वो जख्मी हुआ और रास्ते में इंतकाल कर गया। शहर में आज भी वो बुर्ज मौजूद है जहाँ सिकंदर आजम घायल हुआ था। शहर में हजरत शाह शम्मस रहमतुल्ला अलैह का मजार भी मौजूद है। ये शाह शम्मस कौन है? क्या ये वो शम्मस तबरेज हैं जिन्होंने मौलाना रूम को मोहब्बत के 40 असूल सिखाए? अगर ये वो हैं तो फिर वो कौन थे जिन्हें मौलाना रूम के साहबजादों ने कोनिया में कत्ल करके कुएं में फेंक दिया था? क्या ये हजरत शाह शम्मस सब्जवारी हैं? वो शाह शम्मस सब्जवारी जो 1201 में मुल्तान आए और 1276 में 111 साल की उम्र में विसाल पाया, मुल्तान में दफन हुए और आपका मज़ार हजारों साल से मुल्तान में कायम है। ये शहर हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया रहमतुल्ला अलैह मुल्तानी का शहर है। आप दुनियावी और दीनी दोनों किस्म की दौलत से मालामाल थे। तातारियों ने मुल्तान पर हमला किया तो आपने अहले मुल्तान की जान बख्शी के लिए
तातारियों को 1,00,000 दिनार अदा किए। ये तमाम लोग अजीम थे, ये तमाम हस्तियां मोहतरम हैं, लेकिन ये शहर बहरहाल हजरत शाह रुकन आलम रहमतुल्ला अलैह का शहर है। आपका कोई बदल नहीं था। हजरत शाह रुकन आलम रहमतुल्ला अलैह हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया रहमतुल्ला अलैह के पोते थे। आप रहमे मादर में थे तो हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया रहमतुल्ला अलैह उठकर अपनी बहू का इस्तकबाल करते थे। आपसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो आपने फरमाया कि मैं आपको नहीं, आपके पेट में पलने वाले बच्चे को ताजीम देता हूं और उसके लिए उठकर खड़ा हो जाता हूं। आपका बचपन करामात से ही भरा हुआ था। शीर ख्वारगी के दौर में भी अजान के वक्त माँ का दूध नहीं पीते थे। माँ ने हमेशा आपको बावजू होकर दूध पिलाया। 3 जनवरी 1335 को इंतकाल हुआ तो दादा हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया रहमतुल्ला अलैह के कदमों में दफन कर दिया गया। आपकी तदफीन के चंद दिन बाद ही हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया रहमतुल्ला अलैह शेख सदरुद्दीन मोहम्मद के ख्वाब में आए और फरमाया, आपने हजरत शाहरुख ने आलम रहमतुल्ला अलैह को मेरे कदमों में दफन कर दिया है, मुझे सख्त तकलीफ हो रही है, आप इन्हें दूसरे मकबरे में दफन करें ताकि मैं आराम से रह सकूं। हुक्म वाजे था। मुल्तान के औलिया ने दाएं बाएं देखा तो सामने गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा था। यह मकबरा तामीर और अकीदत की अजीम दास्तान था। गयासुद्दीन तुगलक दीपालपुर का सूबेदार था। दीपालपुर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी छावनी थी। गयासुद्दीन तुगलक ने जिंदगी में अपना मकबरा बनवाया। मकबरे की तामीर के दौरान तुगलक ने एक एक पैसा अपनी जेब से लगाया और ये रकम 100% हलाल थी। ये हिंदुस्तान की खूबसूरत तरीन इमारत थी। ये इमारत 3 मंजिला थी, ऊपर वसी गुंबद था। ये गुंबद सतूनों के बगैर बनाया गया। दीवारों में लकड़ी के शहतीर लगाए गए और शहतीरों के दरमियान पत्थरों की चुनाई की गई। मकबरे पर मुल्तान की रोगनी टाइलों का काम था। आयात भी कुंदा की गई। यह मकबरा फने तामीर का नादर नमूना है। गयासुद्दीन तुगलक इस मकबरे में दफन होना चाहता था, लेकिन दिल्ली के तख्त पर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने कब्जा कर लिया। यह हिंदुस्तान की तारीख का मकरूह तरीन किरदार था। हम जिन्स परस्त था, हिंदू लड़के से रोजाना शादी करता था। एक दिन दुल्हन बनता था और दूसरे दिन दूल्हा। अमायदीन सल्तनत रोज तोहफे तहाइफ लेकर शादी में शरीक होते थे। माशूक लड़के ने एक दिन इसे कत्ल कर दिया और खुसरू परवेज के नाम से अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया। इसने नाउज बिल्ला कुरान मजीद के तमाम नुस्खे जमा किए, इनकी कुर्सियां बनवाई और दरबारियों को उन पर बैठने का हुक्म दे दिया। वो हिंदुस्तान की तारीख का सयाह तरीन दौर था। पूरे मुल्क में गयासुद्दीन तुगलक वाहिद शख्स था जो मुसलमानों को इस जालिम शख्स से रिहाई दिला सकता था। दिल्ली के मुसलमानों ने तुगलक से अपील की। तुगलक दिल्ली पहुंचा, मुसलमानों को जालमों से निजात दिलाई, वापस आने लगा तो दिल्ली के लोग कदमों में गिर गए। वो मजबूर हो गया और यूं तुगलक हुकूमत की बुनियाद पड़ गई। वो पूरी जिंदगी लड़ता रहा, यहाँ तक कि तुगलक आबाद में खाना खा रहा था। महल की छत गिरी और छत के नीचे दफन हो गया। गयासुद्दीन तुगलक की मैयत को मुल्तान पहुंचाना मुश्किल था, चनाचे इसे दिल्ली में दफन कर दिया गया। मुल्तान का मकबरा खाली रह गया। आप हुस्न व इत्तफाक मुलाहिजा कीजिए, गयासुद्दीन तुगलक का साहबजादा और हिंदुस्तान का बादशाह फिरोज शाह तुगलक ऐन उस दिन सिंध से वापस दिल्ली जा रहा था। जब वो ख्वाब देखा गया, वो मुल्तान में रुका। मुल्तान के अमायदीन ने इसे ख्वाब सुनाया। वो उठा, अमायदीन के साथ कबर कुशाई की। हजरत शाहरुख ने आलम रहमतुल्ला अलैह के जस्द मुबारक को कंधा देकर वालिद के खाली मकबरे तक लाया और अपने हाथों से इनकी तदफीन कर दी। वो दिन है और आज का दिन है। ये मकबरा मकबरा नहीं रहा, ये मजार बन गया। ये मजार दुनिया भर में मुल्तान की पहचान बन गया। दुनिया भर की किताबों में जहां भी मुल्तान का जिक्र आता है, वहां साथ ही हजरत शाहरुख ने आलम के मजार की तस्वीर शाया होती है। मैं इस मजार के सामने खड़ा था जिसे गयासुद्दीन तुगलक ने अपने लिए बनवाया था, लेकिन इसे यहाँ दफन होने की इजाजत ना मिली। और हिंदुस्तान की अजीम इमारत हजरत शाहरुख ने आलम रहमतुल्ला अलैह के नाम लिख दी गई।
इमारत के अंदर सफेद रंग की दर्जनों कब्रें थी। कब्रों के दरमियान चबूतरा था और चबूतरे पर हजरत शाहरुख ने आलम रहमतुल्लाह अलैह महवे इस्तराहत थे। मैंने सलाम किया, फातिहे पढ़ी और मजार के दाएं बाएं नजरें दौड़ाई। हजरत शाहरुख ने आलम रहमतुल्लाह अलैह के दाएं बाएं दर्जनों कब्रें हैं, इन कब्रों में कौन लोग मदफून हैं कोई नहीं जानता। ये लोग यकीनन अपने जमाने के बड़े लोग होंगे, लेकिन इंसान जब ख्वाब में उतरता है तो मिट्टी वजूद के साथ साथ इसके ओहदे नाम और दौलत को भी निकल जाती है। अल्लाह ताला मौत के बाद सिर्फ अपने चाहने वालों की शनाख्त इनायत करता है या फिर उन लोगों पर मेहरबानी फरमाता है जो इसकी मखलूक के लिए मुफीद होते हैं। शाहरुख ने आलम रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला को पसंद थे, लिहाजा इन्हें इस मकबरे में जगह इनायत हो गई जो बादशाह ने अपने लिए तामीर करवाया था। आपका नाम आज भी सलामत है। लोग आज भी अकीदत के साथ गर्दन झुकाकर आपके मजार पर हाजिर होते हैं, जबकि गयासुद्दीन तुगलक का नाम सिर्फ किताबों में रह गया है, वो सिर्फ किस्सा बनकर रह गया। ये इबरत की निशानियां हैं। इंसान इन निशानियों से कुछ सीखना चाहे तो बहुत कुछ सीख सकता है, लेकिन इंसान भी अल्लाह ताला की कितनी अजीब मखलूक है। ये अपने हाथों से दूसरे इंसानों को दफन करता है, मगर ये इसके बावजूद खुद को नागुजीर समझता है। काश इंसान इंसान बन जाए। मजार की पिछली दीवार पर एक पत्थर नस्ब था। पत्थर के बारे में रिवायत है कि वो मर्द जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं आती, वो अगर इस पत्थर पर अपना मुंह रगड़े तो इसके चेहरे पर बाल उगाते हैं। लोगों ने मुंह रगड़ रगड़ कर पत्थर और इसके दाएं बाएं की जगह को सयाह कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल ट्रैवलिंग ओमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।